जब पता है कोई फॉलो नहीं करता है तो अकाउंट डिलीट क्यों नहीं कर देता है। चलो थोड़ा सा बात करते हैं आज अपने ऊपर भी, जो नए यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, टिकटॉक इंस्टा जो भी नए लोग हैं, तो पहले तो वो कंटेंट ढूंढते हैं, फिर उस पर बड़े मुश्किल से काम करते हैं, चाहे अच्छा हो या ना हो, व्यूज तो आते नहीं है, व्यूज तो कन्फर्म होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि पहले यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फिर इंस्टा और फिर टिकटॉक एंड फेसबुक, फिर देखते रहते एक घंटे दो घंटे तक तो दिन ग्रहण होती है भाई व्यूज़ आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो हमने फिर दोस्तों को शेयर करना है, स्टोरीज पे लगाना है, और दोस्तों के भी बड़ा तंग करते हैं अपने दोस्तों के लिस्ट, जब नए इन्फ्लुएंसर के देखो कि सबको लिंक सेंड कर रहे होते हैं इंस्टा पे, तो फिर भी अच्छा टैग करते हैं या इंस्टा में ही, वहाँ पे भी फुल भरा होता है ये चीज़ों से, तो देखता है फिर दो फॉलोअर्स आते दो जाते, फिर दो आते फिर दो जाते। वो लोग होते हैं ना जो कह रहे हैं आपको फॉलो देता, फॉलो बैक दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फॉलो ख़त्म। तो दिन में यही होता है, दो नीचे दो ऊपर, कभी कभी हमारी एक गलती से एक वीडियो थोड़ी सी ऊपर जाती है ना, तो उससे 5-6 फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, कभी 10-12, तो बंदा फिर बड़ा खुश भी होता है, यार ये वाला जो कंटेंट है ना ये सही है, देखो इस पे व्यूज़ भी आ गए। वो पता नहीं यूट्यूब के एल्गोरिथम के में आ जाते हैं, उस स्पीड में आ जाते हैं तो चली जाती है। कभी कभी आपकी बड़ी अच्छी वीडियो होती है वायरल ही नहीं होती, आगे जाती ही नहीं है, कभी कभी आपकी बेकार वीडियो होती है वो भी जाती है, तो फिर बंदा कहते हैं बंदा कंफ्यूज होता है भाई ये वाला कंटेंट सीधे ये वाला सीधा, क्योंकि इस पे बड़े व्यूज़ आ गए, इस पे तो आ ही नहीं रहे, तो ये कंफ्यूजन चलता रहता है। फिर आपके दोस्त भी आपको मशवरे देते हैं नहीं भाई ये वाला कंटेंट सही है, वो वाला कंटेंट सही है, आप और कन्फ्यूज़ हो जाते। फिर जब व्यूज़ आते तो आप कहते हैं नहीं और बनाऊँगा, अब तो मैं मतलब काम जारी है, अब तो देखो 10,000 व्यूज़ आ गए अब काम होगा। लेकिन कल जब आप कोई और अच्छी वीडियो बनाते हैं उस पर क्या जाते हैं, सब व्यूज़ आ जाते हैं 200, फिर बंदे का दिल करता है छोड़ दो। तो ये जो दंगल होता है चलता रहता है, फिर आपको दोस्त कुछ कहते हैं भाई आपका जो कंटेंट है ना बिल्कुल बेकार है, काम का है ही नहीं। कुछ लोग दोस्त अच्छे भी होते हैं, कहते हैं भाई तुम सही काम कर रहे हो, लगे रहो आपको मोटिवेट करते, फिर आपको भी लिखते हैं हाँ भाई। और आपके कभी कभी दोस्त आ जाते भाई, वो कहते हैं भाई आई एम योर फैन, तो पता नहीं उस वो दिल को खुश करने के लिए कहते हैं या जो भी होते हैं, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है भाई देखो। फिर दोस्तों को बता रहे यार उधर एक लड़का मुझे मिला, कह रहा है आई एम योर फैन, तो फिर हम भी थोड़ा सा, तो ये नए इन्फ्लुएंसर नए यूट्यूबर जो बनना चाहते हैं बेचारे, तो उनका ये चलता रहता है, एक तो कंटेंट चेंज होता है, आज एक कंटेंट दूसरा तीसरा, अगर वो नहीं चला तो फिर मोटिवेशन स्पीकर नहीं चला तो फिर बिजनेस, फिर ब्लॉगिंग, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़, और कभी ब्लॉगिंग कभी क्या कभी क्या। एक तो हम इन्फ्लुएंस बड़े होते हैं, अगर किसी के 1 मिलियन एक दिन में आते हैं भाई ये वाला कंटेंट सही है किसके, फिर जब किसी बड़े यूट्यूबर के देखे उसका शॉर्ट मूवी बनाए उसको देखते हैं हाँ भाई असल कंटेंट तो ये है, हम तो कहीं गलत। तो हाँ नई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो शिफ्टिंग करते हैं, ये वाला कंटेंट फिर वो वाला कंटेंट, वो वाला नहीं ये वाला टीम, ये वाला नहीं ये वो वाला टीम, तो ये हम बड़ा जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं ना, वो यार उसके बड़े देखिए भाई बड़ा तेज़ चल रहा है आजकल, नहीं उसका ठीक है यार। फूड व्लॉगर्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, दोस्त कभी कोई सजेस्ट करते नहीं नहीं हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात है कि वो, फिर हम वो शुरू करते हैं, फिर जो कहता है कि यार मोटिवेशन स्पीच कहीं सुनते हैं यार ये भी तो बड़ा अच्छा वो है इसको अप्लाई करता, तो ये चीज़ जो है चल रही होती है। फिर आखिर में कभी कभी दोस्त ये भी कहता है कि भाई अगर बढ़ते नहीं है काम वे क्यों जाए कर रहे, छोड़ता क्यों नहीं है, बड़ा दुख होता है इस तरह फिर सुन के।